नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। इस एपिसोड में हम धर्म संसद के बारे में बात करेंगे। ऐसे ये तो ना धार्मिक है और इनमें कोई संसदीय प्रथा भी नहीं देखने को मिलती है। इनको अधार्मिक अखाड़ा कहना ज्यादा बेहतर होगा। हरिद्वार और रायपुर में इन अखाड़ों में क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ सुना होगा, ये तो आप जानते ही हैं। और अब बात चल रही है गाजियाबाद में एक ऐसे ही आयोजन होने की। जब तक आप इस एपिसोड को देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ ढोंगी गेरुआधारी सो कॉल्ड संतों ने समाज में कुछ और जहर घोलने की जो प्रोसेस है उसको और आगे बढ़ा दिया होगा। उल्लेखनीय है, हरिद्वार कार्यक्रम के आयोजकों ने पूरे भारत में धर्म संसद के जो एजेंडे को बढ़ाया गया उसको और विस्तार करने के लिए, उसको ज्यादा फैलाने के लिए एक 21 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमिटी का गठन किया है। आगे बढ़ने से पहले आइए हम हरिद्वार और रायपुर में क्या कुछ कहा गया इनको हम एक बार फिर से दोहराएं। मैंने एक दक्षिण पंथीय वेबसाइट में प्रकाशित हरिद्वार धर्म संसद की रिपोर्ट को पढ़ा, ताकि कोई ये ना एक्यूज करे कि हमने वामपंथी वेबसाइट्स की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि क्या कुछ कहा गया वहां। इस रिपोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जो वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं निसंदेह विभाजनकारी और भड़काऊ है। ये उस वेबसाइट के एडिटर के शब्द हैं, वर्बैटिम मैंने बोला। opindia.com रिपोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि यति नरसिंहानंद को ये कहते हुए सुना गया था कि हिंदुओं को मुसलमानों से बेहतर हथियार इकट्ठे करने चाहिए। रिपोर्ट में स्वामी सागर सिंधु महाराज के भाषण का विस्तृत विवरण दिया गया है। आगे ये कहा गया है कि स्वामी धर्मदास महाराज ने एक भाषण दिया जो इनडिफेंसिबल है। उन्होंने कहा कि अगर वे हथियार इकट्ठे कर सकते होते तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मार डालते। opindia.com के एडिटर नुपुर शर्मा ने एक बाइलाइन आर्टिकल में लिखा, संसद में जो कहा गया, मैं कोट कर रहा हूं, वो संसद में जो कहा उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा, हिंदूज नीड समवन लाइक जर्नैल सिंह भिंडरावाले एंड प्रभाकरण टू सेव द धर्मा। द स्टेटमेंट्स मेड एट द पार्लियामेंट्री एट द धर्म संसद लीव लिटिल टू इमेजिनेशन एज टू द फुल कंटेंट ऑफ व्हाट द संसद वाज ऑल अबाउट। अब हम छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो हुआ उस पर ध्यान देते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स हिंदुस्तान का एक लीडिंग अखबार है। 28 दिसंबर को एक एडिटोरियल या फिर संपादकीय उसमें पब्लिश हुआ। संपादकीय में बताया गया कि कैसे दो संतों के विचार अलग अलग थे। एक तरफ कालीचरण महाराज ने कहा महात्मा गांधी महाहरामी थे जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। वहीं दूसरे तरफ महंत राम सुंदर दास ने कहा कालीचरण ने ना केवल धर्म संसद का अपमान किया है बल्कि सनातन धर्म के मूल्यों का उल्लंघन भी किया है। ये बोलकर राम सुंदर दास ने वॉकआउट किया और अपने आप को धर्म संसद से डिसोसिएट कर दिया। सनातन धर्म की जो वैल्यूज थी उनका उल्लंघन की बात जो उन्होंने उठाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद जो भाषण दिया उसमें उन्होंने भारत की सनातनी
संस्कृति और परंपराओं के काफी गुण गाए। उसी सनातनी संस्कृति का स्पष्ट उल्लंघन इस धर्म संसदों में देखा गया और इसने हिंदुत्ववादियों को काफी दुविधा में डाल दिया है। opindia.com जिसकी रिपोर्ट के बारे में मैं पहले जिक्र कर रहा था, उसका हेडलाइन ने इस चिंता को दर्शाया है, धर्म संकट ओवर धर्म संसद, कॉल्स फॉर वायलेंस एंड अ डिलेमा फॉर हिंदूज। मैं लगभग 4 दशक से संघ परिवार और हिंदुत्व की राजनीति को फॉलो करता आया हूं। फलस्वरूप धर्म संसद की जो अचानक फ्लरी के बाद मेरे को कुछ उत्सुकता हुई जानने के लिए कि ये क्या है, इनके पीछे किसका हाथ है। दरअसल धर्म संसद का कॉन्सेप्ट राम जन्मभूमि आंदोलन की उपज है। तो क्या ये हरिद्वार और रायपुर में जो गोष्ठियां हुई, तो क्या ये विश्व हिंदू परिषद की योजनाएं थीं? जब मंच पर कोई क्लियरली आइडेंटिफाई संघ परिवार का नेता नहीं दिखाई दिया तो मैंने अपने सोर्सेस से चेक किया। क्या आप इन आयोजनों के पीछे हैं? क्या इन धर्म संसदों में जो कुछ तय हुआ या जो कुछ कहा गया, इसमें आपका एंडोर्समेंट है? जवाब मिला कि ये वीएचपी का धर्म संसद नहीं है। तो मैंने पूछा, तो आप लोग क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं इशू करते? अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो रही है और हिंदू संतों का नाम उछाला जा रहा है। उन्होंने जवाब दिया, आपको कंट्रोवर्सी दिख रही है, हमको वोट कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंततः वो वोट की ही बात निकली कि खास तौर से जब 5 प्रदेशों में अभी असेंबली चुनाव होने वाले हैं, तो धर्म संसद में जो कुछ कहा गया इसका बैकड्रॉप इलेक्शंस ही है। यह तो खैर समकालीन राजनीति का विश्लेषण का मुद्दा है, परंतु विश्व हिंदू परिषद का धर्म संसद क्या है, मतलब जो राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान शुरू हुआ जो मैं कह रहा था, और उसका आयोजन कैसे हुआ, वे कहां से आए, इसकी कहानी जानना बहुत जरूरी है। यह सवाल का जवाब असल में काफी अतीत में है। बात 1981 में फरवरी के महीने की है, जब तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम गांव में मास रिलीजियस कन्वर्जन्स हुए थे। उसके पहले जनता पार्टी के एक्सपेरिमेंट के फेलियर के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो बड़े नेता थे, उनको लगा था कि संगठन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीमिंग हुई थी वो सडनली खत्म हो गई। अपने एक्टिविटीज को रिवाइव करने के लिए और उसको ज्यादा पॉपुलराइज करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धर्म सेंट्रिक एक्टिविटीज पर फोकस किया। 1964 में बने विश्व हिंदू परिषद की एक्टिविटीज को नई गति दी गई उसी पीरियड में। 1979 में एक विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया यहीं दिल्ली में। विवादास्पद रूप से, बहुत कंट्रोवर्शियल रूप से दलाई लामा उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसी कारण से अभी जब हाल में दलाई लामा ने मोहन भागवत से मुलाकात की, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एग्रेसिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स को पहले भी एंडोर्स या उनके साथ शामिल हुए हैं। कहानी को थोड़ा आगे और बढ़ाया जाए, मीनाक्षीपुरम मास कन्वर्जन्स के बाद विश्व हिंदू परिषद के गतिविधियों में तेजी आ गई। आरएसएस के नेता समझ गए, हिंदू समाज का समर्थन पाने के लिए सबसे फूल प्रूफ तरीका होगा अगर धार्मिक नेताओं को उनकी ओर खींचा जा सके। मीनाक्षीपुरम इंसिडेंट के ठीक 1 महीने के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का गठन किया। मार्च 1981 में यह हो गया। इसमें प्रमुख संत जो थे वो शामिल थे। कहा गया कि ये अलग अलग मठों के पीठाधिकारी
विश्व हिंदू परिषद को अलग अलग मुद्दों पर एडवाइज करेंगे। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल विश्व हिंदू परिषद के धार्मिक नेताओं के साथ लिंक एस्टैब्लिश करने में एक जरिया बन गया। आने वाले सालों में इसका इस प्लेटफॉर्म का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखा गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद को साधु समाज में और इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए 1982 में धर्म संसद का गठन किया गया। इससे पहले भारतीय पॉलिटिकल नैरेटिव में ऐसी कोई संस्था नहीं थी। धर्म संसद को एपेक्स हिंदू संगठन के तौर पर पोजीशन किया गया। यूं समझिए कि एक तरफ तो राष्ट्रीय संसद और धार्मिक टेरेन में धर्म संसद को उसको मिरर करने के लिए खड़ा किया गया। इससे यह साफ हो गया कि शुरू से ही प्रयास यही था कि किस तरह से धार्मिक गतिविधियों और साधु संतों को राजनीतिक स्पेस में जगह मिले, उनको लेजिटिमेसी कैसे दी जा सकती है। उस वक्त का प्रोपेगेंडा को हम अगर देखें और अभी के हाल के गुजरात गवर्नमेंट ने जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खिलाफ जो एक्शन लिया है उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक समानता दिखाई देगी। 1981-82 में विश्व हिंदू परिषद के एक पैम्फलेट में, मैंने उस समय उसको सोर्स किया था, अंग्रेजी में है, उसमें लिखा हुआ है, इन भारत रिलीजियस कन्वर्जन्स पोज अ ग्रेव थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अ लार्ज एरिया ऑफ द मदरलैंड इज नाउ फॉरेन टू अस बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन्स ऑफ हिंदूज लिविंग इन दोज प्लेसेस एंड दे हैव बीन कन्वर्टेड टू एलियन फेथ्स। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा अभी भी चल रहा है, आप सब जानते हैं। धार्मिक प्रचार और धर्म का राजनीति में रोल को प्रोत्साहन देने के लिए 1983 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने एकात्मता यज्ञ और यात्राएं निकाली। इस कार्यक्रम में तमाम हिंदू पवित्र नदियों से जल इकट्ठा कर अलग अलग जगह प्रदर्शन निकाले गए पूरे देश भर में। उसके बाद जनवरी 1984 में बहुत ही ड्रामेटिक सर्कमस्टांसिस में बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा को रीडिस्कवर किया गया। उसके बाद उस मांग को कि ताले खोल दिए जाए बाबरी मस्जिद के, उसको लेजिटिमेसी देने के लिए अप्रैल 7 और 8 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में पहली धर्म संसद बुलाई गई। वहां से सिलसिला शुरू होता है। हिंदू धार्मिक नेताओं को राजनीतिक मुद्दों पर, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर बयान देने के अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद में लगे ताले को खोलने की मांग और उसके बाद हिंदू श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति मिलने की मांग, ये धर्म संसद ने एंडोर्स किया। नवंबर 1966 के बाद जब आरएसएस के लीडरशिप में गौ रक्षा पर आंदोलन हुआ था, उसके बाद दिल्ली में इतना बड़ा भगवा कांग्रेगेशन कभी नहीं देखा गया था। उस साल बाबरी मस्जिद का ताला खोलने की मांग को लेकर सीतामढ़ी से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक राम जानकी यात्रा निकाली गई। राम जन्मभूमि आंदोलन का श्री गणेश हो गया, परंतु इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया और पोस्टपोन करना पड़ा, मतलब उसको आगे बढ़ाने की प्रोसेस को। नवंबर 1985 में कर्नाटका के उडुपी शहर में आंदोलन को रिवाइव करने के लिए दूसरा धर्म संसद का आयोजन किया गया। पर्पस सॉल्व हो गया, उसके पीछे और वजह भी थे। सबसे बड़ा था शाहबानो जजमेंट और उस पर समाज के अलग अलग सेक्शन से जो रिएक्शंस आ रहे थे। तीसरा धर्म संसद टैक्टफुली जनवरी 1989 में अलाहाबाद, उस समय प्रयागराज नहीं उसका नाम हुआ था, वहां पर आयोजित हुआ। इस सभा में
नवंबर 1989 में अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम करने का उसकी घोषणा की गई। शिलान्यास कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने शिलान्यास करने के बाद ऐलान किया कि जो फाउंडेशन स्टोन थी वो सिर्फ राम मंदिर की नहीं रखी गई थी बल्कि एक हिंदू राष्ट्र की रखी गई थी। उसके बाद जनवरी 1990 और अप्रैल 1991 में फिर से दिल्ली में धर्म संसदों का आयोजन किया गया। 1991 का जो कॉन्फ्रेंस था वो ठीक लोकसभा चुनाव के पहले आयोजित किया गया था। उसमें बीजेपी की पॉलिटिक्स को एंडोर्स किया। राम मंदिर की मांग की गूंज से भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत फायदा हुआ। चुनाव के नतीजे जब आए तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा या द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बन गई है। अक्टूबर 1992 में जब धर्म संसद फिर से बुलाई गई तब क्लियर हो गया बाबरी मस्जिद का क्या होना है। डिमोलिश जब हुआ 6 दिसंबर को तो ये स्पष्ट हो गया कि धर्म संसद और बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन प्लान के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन था। जब से धर्म संसद का गठन हुआ है इसके अधिवेशन हमेशा से ही किसी ना किसी राजनीतिक कन्फ्रंटेशनल इशू के साथ कनेक्टेड रहे हैं। अब तक तो धर्म संसद सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ही कन्वीन कर सकती थी, परंतु हरिद्वार के आयोजन के बाद से एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसा हमने 2014 से देखा है कि बहुत कुछ हिंदू राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के इकोसिस्टम के अंदर से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जो फॉर्मली संघ परिवार से कनेक्टेड नहीं होते हैं। इनको फ्रिंज एलिमेंट्स कहा जाता है, बाद में यही मेनस्ट्रीम हो जाता है। अल्टीमेटली पर्पस वही है, देश के अल्पसंख्यक और उनके प्रति घृणा और उनके मन में डर को कैसे फैलाया और डीपन किया जा सकता है। जो आप फिलहाल देख रहे हैं वो फॉर्मली विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी या आरएसएस से कनेक्टेड ना हो, लेकिन आगे चल के पता नहीं कब इनमें सिनर्जी और साथ मिल जाएंगे। क्या आप नहीं जानते भारतीय जनता पार्टी और उनके जो बाकी जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके टॉप लीडर्स कितनी बार नाथूराम गोडसे की तारीफ करते हैं और महात्मा गांधी को डेनिग्रेट करते हैं। कोई भी आयोजित करे धर्म संसद का मूल ऑब्जेक्टिव है विभाजनकारी मुद्दों को आगे बढ़ाना और उनकी मेनस्ट्रीमिंग करना। नमस्कार।